मिस जॉबर्सन। आज हम डिस्कस करते हैं मिस जॉबर्सन क्या होता है। ये एक तरह का एबॉर्शन है जिसमें एबॉर्शन तो हो जाता है लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते हैं और पेशेंट फील नहीं कर पाता कि उसके अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा है उसने बढ़ना बंद कर दिया है, बेबी की दिल की धड़कन बंद हो गई है। तो इसे इस तरह से साइलेंट मिस कैरेज भी कहते हैं। तो क्योंकि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, किसी किसी पेशेंट को हल्की सी स्पॉटिंग होती है जिसको पेशेंट इग्नोर कर देता है, इस वजह से इसको मिस एबॉर्शन कहते हैं। यूजली जो मिस एबॉर्शन होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, मतलब कि 6 से 9 वीक्स के बीच में होता है और ये यूजली फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है। जब मदर की एज कम होती है, यूजली 20 साल से कम होती है, तो उसमें मिस एबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैटरनल फैक्टर, जिसकी वजह से ये मिस एबॉर्शन हो सकता है। जो सबसे पहला कारण है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मतलब कि जीन्स में एबनॉर्मलिटी होती है, जीन्स में डिफेक्ट होते हैं। तो नेचर की एक टेंडेंसी होती है कि इस तरह के बच्चे को वो खुद ही ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है। तो इसकी वजह से जो बेबी में डिफेक्ट होता है वो ऐसे बेबी खुद ही स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन होके बाहर निकल जाते हैं। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो मैटरनल फैक्टर है, मतलब कि माँ को अगर कोई बीमारी होती है जैसे कि डायबिटीज है, माँ का शुगर लेवल ज्यादा है, थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड लेवल कम है, मदर को PCOD है या मदर को बहुत तेज बुखार आ गया है, तो उसमें भी बच्चा खराब होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो यूट्रस में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। यूट्रस अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यूट्रस के बीच में सेप्टा होता है या मेम्ब्रेन होती है, या यूट्रस में बहुत बड़ी रसोली होती है जिसे फाइब्रॉइड कहते हैं, तो उसमें भी बेबी को ग्रो करने को की जगह नहीं मिलती है, बेबी को के लिए स्पेस नहीं मिलता है। तो ऐसे बच्चे 1.5 से 2 महीने तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनका एबॉर्शन हो जाता है। लास्ट जो कारण है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है, प्लेसेंटा ठीक से बन नहीं पाता है, स्मॉल प्लेसेंटा रह जाता है, या प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई कम होती है, मदर को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो उसमें भी बेबी के खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? तो जो डायग्नोसिस बनती है वो सोनोग्राफी से बनती है। जब भी पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आता है, अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आता है, तब देखा जाता है कि उसमें बच्चे की दिल की धड़कन है या नहीं है। यूजली जो बच्चे की दिल की धड़कन होती है वो 7 वीक्स में आ जाती है। अल्ट्रासाउंड में जो फाइंडिंग दिखती हैं मिस एबॉर्शन की, तो उसमें हम देखते हैं लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो। जब बेबी बन जाता है तो उसका फीटल पोल बन जाते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। इसके जो अपर पोल से लोअर पोल के बीच में जो लेंथ होती है, दैट इज क्राउन रम्प लेंथ CRL। तो इफ CRL इज मोर देन 9 mm एंड देर इज नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी, दैट मीन्स इट इज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। टू बी ऑन सेफर साइड, एक बार रिपीट अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेशेंट को हम बोलते हैं कि 10 दिन के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। 10 दिन के बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड करने पे भी देखते हैं कि कार्डियक एक्टिविटी आ गई है या नहीं आई है। अगर आ गई है देन इट इज नॉर्मल, अदरवाइज मिस एबॉर्शन इज 100% कन्फर्मेटरी। गाइडलाइंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, इफ गेस्टेशनल सैक अपीयर एंड मीन सैक डायमीटर इज मोर देन 20 mm एंड देयर इज नो एम्ब्रियो डेवलपिंग इनसाइड इट एंड इट इज स्टिल एम्प्टी एंड इट रिमेन एम्प्टी इवन आफ्टर 2 वीक्स, देन इट गोज इन फेवर ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। अब इसके कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मिस एबॉर्शन में मोस्टली इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह जाता है, मतलब कि कुछ पीसेस, सम रिटेन प्रोडक्ट रिमेन इनसाइड द यूटेराइन कैविटी, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती है, स्पॉटिंग होती रहती है, और अगर ये लंबे टाइम तक पीस पड़े रहते हैं अंदर यूट्रस के, तो सेप्सिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है। इसमें पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, अपने आप ही ब्लीडिंग शुरू हो गई, स्पॉटिंग शुरू हो गई, और कभी कभी इतनी ब्लीडिंग होती है कि पूरा सैक, पूरा जो जेस्टेशनल सैक है, अपने आप ही बाहर निकल जाता है और कम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है उसे सेप्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसका मिस एबॉर्शन हुआ है और पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं आता है, तो बेबी जो खराब हो गया होता है वो लंबे टाइम तक, सपोज 1 से 2 महीने तक अंदर पड़ा रहता है। उसमें बेबी का पार्ट होता है, प्लेसेंटा का पार्ट होता है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, सेप्सिस बन जाता है, जिसमें पेशेंट को बुखार आने लगता है, वोमिटिंग आने लगती है, तब पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए आता है और उस समय डायग्नोस हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।